हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी ग्रुपमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक निर्द्यानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि डेली बेसिस पर होता है सुबह 10:15 बजे आरआरबी ग्रुप डी और दोस्तों एनटीपीसी के लिए, सीबीडी 2 के लिए। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। क्या हालचाल है दोस्तों आप सभी लोगों के? फटाफट से जल्दी से आ जाओ, ठीक है? चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आर या पार, जान लगा दो या जाने दो, मॉक टेस्ट 100% श्योर सिलेक्शन। शुरुआत करते हैं एक शानदार से ऑफर के साथ में जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है गाइस, ठीक है? आप लोग एसएससी या बैंक किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल प्राइस पर दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको 10% डिस्काउंट मिलता था दीपू 10 कोड लगाकर, लेकिन अभी प्राइस में 15% का डायरेक्टली ऑफ चल रहा है और 10% एक्स्ट्रा। तो मेरे भाई आपके पास में बेहतरीन मौका है, 24 सितंबर को ये ऑफर एंड हो जाएगा। ऑलरेडी 2 डेज आपके पास में लेफ्ट है। आज अपनी जो है दोस्तों 22 तारीख हो गई है, 23 तारीख और 24 तारीख, 2 दिन आपके पास में शेष हैं। आप जितना हो सके जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठा लें। 15% प्लस 10% यानी टोटल 25%, यानी 15% तो पहले ही हटा दिया है ना, 15% जो एक्चुअल प्राइस थी उससे पहले रिड्यूस कर दिए 15%। तो जैसे आप लोग यहां से देख सकते हैं कि अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, जो कि 1350 रुपए का है, ठीक है? 15% प्लस 10% ऑफ के बाद में दोस्तों आपको 1033 रुपए का ये मात्र पड़ने वाला है। 3 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि 3400 रुपए का था, वो मात्र आपको 2600 रुपए का मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा 6 महीने का जो आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जो कि 5400 रुपए का है, वो आपको मात्र 4131 रुपए का मिलने वाला है, यानी आपके पास 1270 रुपए के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि 6500 रुपए का है दोस्तों, वो सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 4973 रुपए में मिल रहा है, यानी 1528 रुपए की बचत है दोस्तों अभी आपके पास में। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो कि आप 7800 रुपए का लेते हैं, ठीक है गाइस, वो अब 7800 रुपए का न होकर मात्र 5967 रुपए का है, यानी कि 1833 रुपए, लगभग यूं समझ लो कि 1800 रुपए की सीधी बचत है 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर। तो बढ़िया मौका अवेलेबल है आपके पास में, बढ़िया ऑफर अवेलेबल है। पढ़ाई तो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो अपने परिवार के जो बच्चे हैं आगे अपकमिंग जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना वाले हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों आप लोग जो है ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर एक तोहफा दे सकते हैं उनको, ठीक है? क्योंकि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है और सभी लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा नया बैच अपना स्टार्ट हो गया है, 46 टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों जो बैच है वो अपना चालू हो गया है। साथ ही साथ सभी टीचर्स की क्लासेस भी दोस्तों आप लोगों को मिलेगी दीपू 10 कोड लगाकर, DEEPU10 दीपू 10 कोड लगाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई इस ऑफर का फायदा उठाइएगा, ठीक है? शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से, चलिए देखिएगा इधर। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती जिंदगी में, याद रखें। अगर आपकी इच्छा है कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूं, तो वो ही जरूरी नहीं होता सिर्फ जीवन में, ठीक है? एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। डिसीजन लेना बहुत बड़ी चीज होती है, सिर्फ सोचना और सोच के रह जाना ही सब कुछ नहीं होता। वही बात यहां पर समझाई गई है कि एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय थोड़ा बहुत कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय अगर आपने कर लिया कि नहीं, आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे पढ़ना है, एक निश्चय कर लिया और सब्सक्रिप्शन लेना है और फटाफट से आगे बढ़ना है, तो सोचते हुए और दूसरों को देखने में दोस्तों समय बर्बाद ना करें, अपना डिसीजन खुद लें, निश्चय करें, वही सब कुछ बदलेगा, ठीक है? ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए अपकमिंग जो आप देने जाने वाले हो, जिनकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, ठीक है? ऑल दी वेरी बेस्ट। चलिए मॉक टेस्ट नॉन स्टॉप, 10 टॉपिक 50 क्वेश्चन की क्लास आज 9 बजे भी है और आज 10 बजे भी है, ठीक है? इन दोनों चीजों के लिए तैयार रहिएगा। आज 9 बजे भी आपकी क्लास है, 10 बजे भी आपकी क्लास है,
और स्पेशल क्लास आज आपकी 5 बजे की है दोस्तों, ठीक है, 5 PM पर भी आपकी स्पेशल क्लास। तो 5 बजे भी स्पेशल क्लास है, 9 बजे भी स्पेशल क्लास है, 10 बजे भी आपकी स्पेशल क्लास है आज। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, ताबड़तोड़ बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों संडे को बिल्कुल तैयार रहिएगा, संडे 300 क्वेश्चंस की क्लास होगी, वो भी मॉर्निंग में, ठीक है, 9 AM पर। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। संडे 26 सितंबर 2021 300 क्वेश्चंस इन वन वीडियो वाईफाई स्टडी मैन चैनल पर ये क्लास होगी। इसके अलावा अनअकैडमी पर दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर आप लोग दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से फॉलो कर लीजिएगा, जो आपको शाम को 5 बजे वाली क्लास, 9 बजे वाली क्लास और जो 10 बजे वाली क्लास मिलने वाली है वो यहीं पर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली मेरी प्रोफाइल पर विजिट करिए, फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशंस मिलेंगे जितने भी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, जितने भी मेरे बैचेस चल रहे हैं जिसमें आपको सभी टीचर्स के बैचेस मिलते हैं, सफलता बैच के रूप में जबरदस्त क्लासेस अपनी चल रही है सभी टीचर्स की, ठीक है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल क्लासेस के अंदर दोस्तों आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं जो कंप्लीटेड हो चुकी हैं, ठीक है, इन क्लासेस को भी देखना चालू कर दीजिए, यहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे दीपू 10 कोड लगाकर। ऑफर मैंने आपको बता ही दिया है, 15% का तो फ्लैट डिस्काउंट प्लस इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और पूरे परिवार के साथ में मिलकर दोस्तों आगे बढ़िए। अगर और भी बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे भाई बोलते हैं कि सर मेरा छोटा भाई अभी फर्स्ट ईयर में ही है, अभी 12th में ही है, वो भी आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप एक साथ ले सकते, ठीक है भाई। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी लोगों को, ठीक है गाइस। तो 15% तो डायरेक्टली ऑफ है, 15% तो डायरेक्ट कम कर दिया गया है प्राइस, ठीक है, और इसके अलावा 10% का डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है, टोटल 25% के आसपास का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, बढ़िया। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करो, बनाइए जल्दी से, करेंगे आज स्पीड से करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, PRII दे रखा है, एक लेटर ज्यादा हो गया है ना, कोई बात नहीं, इसको एक हटा देना, इसका एक आई हटा देना, ठीक है, यहां से भी रिमूव कर देना एक आई, चलिए ये आपके सामने दे रखा है RPNIITGN, देखिए क्रॉस में ऐसे दे रखा, क्रॉस दे रखा है, क्रॉस क्रॉस में देखेंगे तो क्या बनेगा RP, है ना, तो देखिएगा R से स्टार्ट होगा P, RP के बाद TO, RPTO, COLO, सही है, RPTOCOLO, ठीक है, इसका आंसर बनेगा नन, क्योंकि यहाँ पे देखिए RPNI फिर ITGN, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा RPTO, तो RP तो है, TO भी है, फिर CO, फिर OLE लिखा हुआ है,
लास्ट में ओ एल ई लिखा हुआ है, सही है, जबकि एल ओ होना चाहिए था। तो आंसर क्या बनेगा? नन। तो जबरदस्ती सिर्फ आंसर देना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और ऐसा क्वेश्चन आपके पास में यहाँ भी नहीं है। ये दो तो वैसे ही रॉन्ग कर दोगे, इसके अंदर आप चेक करोगे तो एल ओ आना चाहिए। अब इसमें एल ओ तो आ रहा है, आर पी टी ओ, आर पी टी ओ होना चाहिए था, ओ टी आ रहा है, ये भी रॉन्ग। आर पी टी ओ तो आ रहा है, सी ओ आ रहा है, पर यहाँ पे एल ओ आ रहा है, ये भी रॉन्ग। तो आंसर क्या बनेगा? नन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चे ए आंसर दे रहे थे, बी आंसर दे रहे थे, डी आंसर दे रहे थे, सोच समझ के आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिएगा जी, बताइए इस पैटर्न को पहले समझना है और फिर उसके बाद में डिसाइड करना है कि आखिर अलग कौन हो गया, ठीक है। बी से एफ तो वैसे प्लस फोर होता है, एफ से जे क्या होता है? प्लस फोर होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर आप इन दोनों को देखें तो प्लस फोर ऐसा लगेगा, बस फर्क इतना है कि तीन बार लिखा हुआ, एम के बाद एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद आर एस टी, यहां पर हो रहा है प्लस फोर प्लस टू, के से ओ प्लस फोर, ओ से एस प्लस फोर, सी के बाद डी ई एफ जी प्लस फोर, जी के बाद एच आई जे के, ये भी प्लस फोर। तो इनमें प्लस फोर है और ये प्लस फोर प्लस, सही है, ये इस नंबर पर ही आता है, ये यहीं आता है, ये यहीं आता है, ये यहीं आता है, सत्रह पंद्रह बारह ग्यारह। बनाइए, आपको बताना है कि कौन सा डाटा सफिशिएंट है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। पीआर से किस प्रकार संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन है। पीआर से किस प्रकार संबंधित है? अब यहां तो आर तो आ रहा है, पी तो आ ही नहीं रहा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। रिलेशन पी और आर का पूछा है, हमेशा एक्टिव रखना, जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में पेन चलाने की आवश्यकता पड़े, इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल फोकस करते हुए देखना। आपसे रिलेशन पी का आर से पूछा है कि पी आर से किस प्रकार संबंधित है। अरे भाई यहां तो आर दे रखा है, पी तो है ही नहीं, नीचे वाली लाइन में P दे रखा है, R तो है ही नहीं, तो अलग अलग जब आप चेक करोगे तो अलग अलग चेक करने पर तो रॉन्ग हो गए, है ना, अलग अलग चेक करने पर रॉन्ग हो गए। अब दोनों को आप कंबाइन करोगे, अब दोनों को आप कंबाइन करके देखिए, Q इज द सन ऑफ R, Q जो है सन है किसका, R का, Q पुत्र का है किसका, R का, Q इज द सन ऑफ R, Q पुत्र है आर का, ठीक है। आगे देखो, क्यू इज दी ब्रदर ऑफ पी, क्यू पी का भाई है, क्यू इज दी ब्रदर ऑफ पी, क्यू ब्रदर है किसका, पी का, क्यू इज दी ब्रदर ऑफ पी, क्यू पी का क्या हो गया, ब्रदर हो गया। अब आप रिलेशन में देखिए, क्या पी का आर से रिलेशन हो सकता है क्या, पी आर से किस प्रकार संबंधित है, पी आर का भतीजा है या पी आर की भतीजी है या पी आर का बेटा, सॉरी पी आर का बेटा है या बेटी है, पता नहीं चल रहा, आर मम्मी है या पापा ये भी पता नहीं चल रहा, और पी बेटा है या बेटी है ये भी पता नहीं चल रहा, तो संबंध तो बता ही नहीं सकते ना हम लोग। यानी कि अलग अलग जांचने पर आंसर नहीं आ रहा और दोनों को कंबाइंड करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा, दोनों आंकड़ों को कंबाइंड कर दिया तो भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। बोथ आर इनसफिशियंट टू गिव द आंसर, ठीक है, दोनों इनसफिशियंट हैं। अब आपको इसके अंदर गलत पद का ज्ञात करना है, गलत पद कौन सा है, 216 है, 163 है, 120 है, 72 है, 24 है, क्या है। अरे एक जोश होना चाहिए यार, बिल्कुल एकदम सुस्त कैसे बैठे हो आप लोग, फटाफट से जवाब दो, जल्दी से बताओ क्या आएगा, तुरंत प्रभाव से करके बताओ।
163 बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। जी बिल्कुल बना सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हो 6 × 4 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 6 × 12 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 6 × 20 लिख सकते हो, 8-8 का गैप आ रहा है। देखो 4 से 12 + 8 बढ़ रहा है, 12 से 20 + 8 बढ़ रहा है, तो इसको यहां पर आना चाहिए था 6 × 28, क्या आना चाहिए था 6 × 28 सही है। 8 × 48 का 8 हासिल के 4, 6 × 12 = 4 = 16, 168 आना चाहिए था। तो विच वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, 163 जो है ये रॉन्ग। चलेगा नेक्स्ट, क्या बनेगा भाई? देखो ये तो डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा होगा, 18, 11, 4 तो ये -7 हो रहा है, ये भी -7 हो रहा है, यू से एन -7, ये भी -7, एम से टी +7, ये तो अलग ही हो गया, टी से एफ तो बहुत ज्यादा ही हो गया, ठीक है टी वैसे 20 पे आता है तो 6 और 6 = 12 हो गए, यहां पे -7 और -7 ये अलग है, एम टी एफ अलग हो गया। चलिए कंसंट्रेशन का प्रयोग करके कौन सा बनाया नहीं जा सकता, कौन सा बनाया नहीं जा सकता वो आपसे पूछा जा रहा है, सी ओ एन सी आर एन, फिर आगे सी एन टी आर एल, सी एन टी आर एल तो है ही नहीं, इसमें सेंट्रल नहीं बना सकते है ना, सेंट्रल को नहीं बना सकते हो भाई। चलिए इसको देखिए 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क दोस्तों, बनाइए गैप देखिए, सबसे पहले यहां 5 का गैप है, यहां 10 का रहेगा, 25 का गैप, 56 और 25 को अगर आप ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आपके पास में आ जाएगा 81, सही है। नेक्स्ट अनकवर, अनकवर का कोड दे रखा है आपको एक्सेल ईवीआई, तो देखो यू का अपोजिट एफ, एन का अपोजिट एम, साफ साफ देखने को मिल रहा है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई, तो टी आई पी, टी का अपोजिट जी होता है, आई का अपोजिट आर होता है, पी का अपोजिट के होता है काला पानी, जी आर के इज द करेक्ट आंसर, ये लीजिए, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, करिए फटाफट से करिए, फास्ट करिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। जॉनसन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार, जॉनसन अपनी कार में अपने कार्यालय के लिए रवाना हो, वह 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 10 किलोमीटर मुड़ा और सॉरी फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय, ये लीजिए पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर, ये 8, अंत में वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर, ये ले लीजिए। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, आरंभिक बिंदु से भाई ये तो टोटल हो ही गया 15 हो ही गया, यहां पहुंच गया हूं, आरंभिक बिंदु से 2 किलोमीटर दूर है क्योंकि ये 10 था, ये 8 का, बनाइए पेन मत चलाइए, पेन बिल्कुल मत चलाइए, पेन चलाने की आदत छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो पेन चलाने की आदत, आर के बाद एस टी, ए के बाद बी सी, आई के बाद जे के, एन के बाद ओ पी, सभी में क्या हो रहा है प्लस टू हो रहा है, तो सी के बाद डी ई, एल के बाद एम एन ओ, अब ठीक है क्या भाई, अब ठीक है क्या दोस्तों, हम सब कर देंगे एक बार सभी बच्चे, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया लाजवाब शानदार, देखते हैं अभी देखिएगा,
प्लस ये तो पीछे वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, सब में प्लस टू वाला लॉजिक चल रहा है इसके अंदर, तो ठीक है ना, इसको देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो भरपूर आपके समय का सदुपयोग करवाएगा दोस्तों आपसे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप। अब ये एक तरीके से एक ही क्वेश्चन में आपके पास चार क्वेश्चन है, आप हमेशा नीचे से ट्राई करिए, मेरी बात मानिए, आप डाउन से आप चलिए, ठीक है। प्लस माइनस एट और सेवन को चेंज करवा, अब एट और सेवन को चेंज करवा रहा है यानी क्या हुआ, सिक्स, प्लस और माइनस को चेंज करना है, एट और सेवन को चेंज करना है, प्लस और माइनस को चेंज करना है, एट और सेवन को चेंज करना है, छह चौदह अच्छा, प्लस और माइनस को चेंज करना है तो प्लस एट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, सात आ गया इसलिए चौदह हो गया, प्लस आठ हो गया, तो आठ और छह वैसे भी चौदह हो रहा है, चौदह माइनस चौदह कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है भैया, ये जीरो आपका आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ला जाओ। देखो टेक्निकल चीजें हैं और ऊपर से जियो लोगों ने जिस उम्मीद से लिया है ना, और वो अपनी उम्मीदों पर किस तरीके से खरा उतरा है वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन भी उन्हीं का है और उन्हीं की आपत्तियां हैं, फिर भी हमारे पास में एक और कनेक्शन है जो सही समय पर संभाल लेता है चीज, ठीक है। देखिएगा, 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, ध्यान से देख लेना भाई, 31 दिनों का महीना है, तीसरा गुरुवार 16 तारीख को है, तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा, क्या दिक्कत है यार इसका मतलब, 16 को थर्सडे है ना, 16 को क्या है, थर्सडे है। अब अगर 16 को थर्सडे है और 31 को पूछ रहा है कि क्या है, तो भैया देख लो इधर यहाँ पे सामने, 16 को थर्सडे, 31 को क्या होगा, दोनों का डिफरेंस देखो, 31 माइनस 16 डिवाइड बाय 7 कर दो, 31 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा भैया, यहाँ पर 15 बचेगा, 15 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो थर्सडे प्लस 1, थर्सडे प्लस 1 कितना हो गया, फ्राइडे हो गया भाई, सही है, फ्राइडे हो गया, तो महीने का आखिरी दिन पूछा है, तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा, वैसे फ्राइडे होगा, ठीक है, महीने का आखिरी दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। चलिए, ऑल बुक्स जल्दी से बनाइए फटाफट से, ऑल बुक्स आर नॉवल्स, सम नॉवल्स आर पोएम, सम बुक्स आर पोएम, सम पोएम आर नॉवल, सेकेंड पोल करिए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न करिए फटाफट से, जल्दी से करके बताइए, अब अगर आपके कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होना चालू हो गए हैं दोस्तों, तो आप लोगों को अपनी स्पीड पर काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी स्पीड आपकी एक्यूरेसी उस पर जबरदस्त काम होना चाहिए, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, अगर डेली के 5-7 लगा सकते हो तो मैं तो कह रहा हूँ 5-7 लगाओ, सही नहीं, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाओ बढ़िया तरीके से, SSC, GD हो, MTS हो, स्टेनोग्राफर हो, सब में आप लोगों के यही क्वेश्चन काम आएंगे, पूरा का पूरा पेपर यहीं से आ जाएगा यूं समझो, ठीक है। बस आप यहाँ पे देखते रहो, एक स्त्री है उसने पुरुष से कहा, एक स्त्री है उसने पुरुष से कहा है, तुम्हारी इकलौती बहन, इसकी इकलौती बहन, तुम्हारी इकलौती बहन की बेटी, की बेटी मेरे पति, मेरे पति की बहन है, मेरे पति की बहन, तो ये स्ट्रक्चर तो यहां पे खत्म हुआ, ये स्ट्रक्चर यहां पे खत्म हुआ, जहां पर दोनों स्ट्रक्चर खत्म होते हैं ना दोस्तों, एक चीज याद रखना, वो दोनों एक ही होते, तुम्हारी इकलौती बहन की बेटी मेरे पति की बहन है, यानी ये दोनों तो एक ही हैं। अब इसके ऊपर बना दो आप, ये महिला और ये पुरुष, सही है, तो आप बताओ भाई पुरुष की बहन का, पुरुष की बहन का, ध्यान से देखो, पुरुष की बहन का, ये है बहन, पुरुष की बहन का स्त्री से क्या संबंध है,
तो पुरुष की बहन स्त्री की सास हो जाएगी, पति की मम्मी, पति की मम्मी कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी। सही है नहीं, हमारा आंसर क्या आ गया, मदर इन लॉ। क्या आंसर आ गया भाई, मदर इन लॉ इज दी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नया पैच अपना चालू हो गया है, 46 टॉपिक्स, और आज हम लोगों ने डिस्कस करा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर स्थिति परिवर्तन वाले प्रश्न, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखे, शेडो रिलेटेड प्रश्न देखे हमने, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न देखे हमने कि हवा इधर से आ रही है, आप इधर से जा रहे हैं तो डायरेक्शन किधर होगी, परछाई संबंधी, सूरज की रोशनी से संबंधित प्रश्न देखे, बहुत मजा आया। तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दीपू 10 कोड लगाकर बढ़िया ऑफर चल रहा है, 15% प्लस 10% का डायरेक्ट ऑफ चल रहा है, जो कि अनअकैडमी पर कभी भी नहीं आया। तो दोस्तों बढ़िया मौका आपके पास में है, जो 7800 रुपए का बैच है उस पर 2000 के आसपास लगभग कम कर लीजिए आप, ठीक है, 1900 रुपए के आसपास कम कर लीजिए, ठीक है, तो आपके पास लगभग ये दोस्तों जो है 5900 के आसपास आपको मिल रहा है 2 साल का सब्सक्रिप्शन, इसे आप दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी टीचर्स की क्लासेस मिल रही हैं आप, ठीक है, ये बताना आपको आवश्यकता है। सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर वैलिड है और 24 तक वैलिड है, उसके बाद ऑफर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और प्रश्न आपके पास ब्लड रिलेशन का, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ब्लड रिलेशन में आपत्ति आती, ब्लड रिलेशन में दिक्कत आती है, तो चलो भाई ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी चालू कर लेते हैं साथ के साथ, हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन तो ले ही रहे हैं, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन। एक महिला की ओर संकेत करते हुए आदमी ने कहा है, फिर से ध्यान से देखना, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, पुरुष ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए आदमी ने कहा, पुरुष ने कहा, उसके इकलौते भाई, ये वाला जो व्यक्ति है, उसके इकलौते भाई, उसके इकलौते भाई का बेटा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी, मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, ये दोनों एक ही हो गए। अब ये दोनों अगर एक ही हैं तो इसके ऊपर बनाओ ये व्यक्ति को और इसके ऊपर बनाओ इस महिला को, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके हिसाब से देख लो, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला, महिला का पुरुष से संबंध बताइए, पुरुष की पत्नी, पत्नी के पापा ससुर जी, ससुर जी की बहन कौन हो गई, ससुर जी की बहन, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ससुर जी की बहन हो गई, ये महिला कौन हो गई, ये पी का ससुर, ससुर की बहन, तो क्या हो गई, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। मजा आया, डी ऑप्शन समझ में आया, सभी लोग थम्स अप कर दें एक बार जबरदस्त तरीके से कि यस सर क्लियर होगी, क्लियर हो गया। तो चलो अभी देखो यहां पर आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड प्रश्न देखो, एक शानदार लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही प्यारा और जबरदस्त प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने, क्या निजी संगठनों को सुरक्षा संबंधी अनुसंधान, क्या निजी संगठनों को सुरक्षा संबंधी अनुसंधान गतिविधियों को करने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर अगला बोल रहा है कि नहीं मत दो, ये बोल रहा है कि नहीं मत दो, नहीं देनी चाहिए, निजी संगठन आसानी से हमारे दुश्मनों के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसलिए उन्हें इस तरीके के शोध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ध्यान से देखो आप, सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्या निजी संगठनों को सुरक्षा संबंधी अनुसंधान, सुरक्षा संबंधी अनुसंधान गतिविधियों को करने की अनुमति देनी चाहिए। आप तो रियल लाइफ से रिलेट करके देखो, क्या सुरक्षा एजेंसियां जो हैं अपने पास, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीजें हैं, क्या वो प्राइवेट के पास में है, क्या नहीं है ना, तो ये बात सही है ना भाई, ये बात सही है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया है,
सिक्योरिटी से रिलेटेड है, देश की सिक्योरिटी हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, शुड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बी अलाउड टू कैरी ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज? जो सुरक्षा से संबंधित जो चीजें हैं क्या वो प्राइवेट के पास है क्या? आप तो रियल लाइफ से रिलेट करके देखो, नहीं है, है ना, नहीं है। गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में रखती है ये सारी चीजें। निजी संगठन आसानी से हमारे दुश्मनों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए उन्हें इस तरीके के शोध करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, एकदम सत्य बात है, इसमें गलत क्या है, इसमें बिल्कुल सही बात है। अब देखो, हाँ, सरकार के पास इस तरीके के शोध करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। सरकार के पास संसाधन है या नहीं है इस बारे में तो जानकारी दी ही नहीं है उसने कि इस वजह से हम प्राइवेट को दे रहे हैं। सरकार के पास संसाधन नहीं है इसलिए वो प्राइवेट को देगी, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट वन। आंसर बनेगा फर्स्ट वन। बात समझ में आ रही? हमेशा रियल लाइफ से रिलेट कर लिया करो क्वेश्चन, वास्तविक जीवन से संबंधित कर लिया करो आर्गुमेंट का क्वेश्चन, आधी चीजें वहीं क्लियर हो जाएगी आप। एक बात बताओ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर बहुत रॉन्ग होगा। अरे मूर्ख प्राणियों, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या है? उसको अपने प्रॉफिट से मतलब होगा ना। तुमने सुरक्षा के लिए जानकारी दे दी, लेकिन अब वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए वो आपकी सिक्योरिटी को किसी और को भी तो बता सकती है। सीधा रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन भाई। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट की चीजें हैं तो भैया गवर्नमेंट सुरक्षित रखेगी, गवर्नमेंट क्यों बिकेगी? सही है नहीं, अपने देश के लिए अहित क्यों करेगी? लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको क्या लगता है ये बड़े बड़े बम धमाके वगैरह जो होते हैं, ठीक है, क्या ये बिना रिश्वत के होते होंगे क्या? बिना लाभ, बिना प्रॉफिट के होते होंगे हैं? जो खुफिया जानकारियां वगैरह निकलती हैं किसी भी देश की, किसी भी देश के पास पहुंच जाती है, तो बिना प्रॉफिटेबल कोई चीज होती होगी? चलिए देखिए क्वेश्चन मार्क यहां है पर सबसे बड़ी वैल्यूज यहां है। क्वेश्चन मार्क भले वहां हो पर सबसे बड़ी वैल्यूज तो यहां है। 24 6 डिवाइड बाय 2, 24 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 में 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो फिर 105 में 3 का भाग लगाएंगे अगर 35, 35 में 5 का भाग लगाएंगे तो साल सही हो गया। देखिए गए इसका, इसमें भाग लगाओ, 24 में 4 का भाग लगाओगे तो 6, फिर 6 में 2 का भाग लगाओ, 6 में 2 का भाग लगाया तो ये आ गया 3। ऐसे उधर देखो 120 में आप 6 का भाग लगाओ, ये आएगा 20, फिर 20 में आप 4 का भाग लगा दो तो ये आ जाएगा 5। 5 आपका आंसर खत्म। नेक्स्ट, अगला देखिए फटाफट से करिए दोस्तों, क्या बनने वाला है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक सर्किल आपको दे रखा है और इस सर्किल को हमने यहाँ पर ये कर लिया हमने, ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें तो इसको हम आगे तक लेके गए हैं, इसको क्रॉस करके और आगे तक लेके जा सकते हैं हम इस तरीके से। तो ये रहा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगला, स्टूडेंट टीचर और पेरेंट्स 10% 10% 15% क्या आएगा? 10% छात्र और माता पिता हैं, 10% छात्र शिक्षक और माता पिता हैं, 15% शिक्षक और माता पिता हैं, फिर आगे दे रखा है 35% छात्र शिक्षक हैं, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक माता पिता और छात्र, केवल शिक्षक माता पिता और छात्र हैं कितने हैं? देखिए 35, 10 और 15, अच्छा ठीक है, टोटल 100 होता है भाई, टोटल कितना 100,
क्लियर है, टोटल कितना ले लें 100। क्लियर है, तो टीचर्स का निकाल लो पहले, पेरेंट्स का निकाल लो, फिर स्टूडेंट्स का निकाल लो। टीचर्स का निकाल लो, पेरेंट्स का निकाल लो, स्टूडेंट्स का निकाल लो। 35, 10, 15 निकाल लो पहले, टीचर्स का निकाल लो, 100 में से कितना आया 40। ऐसे ही फिर 100 में से पेरेंट्स का, देखो सबका निकाल लेते, टोटल 100 मान लेते हैं अपन। अब वो दिए गए आंकड़े में 10% छात्र और माता पिता हैं, ठीक है, 10% छात्र और माता पिता दिख ही रहे ना, पेरेंट्स और स्टूडेंट 10%, छात्र शिक्षक और माता पिता 10%, छात्र शिक्षक और, तो सबका निकाल लेते हैं अपन। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टीचर्स, ठीक है, टीचर्स का परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज किसका, टीचर्स का। तो 100 माइनस टीचर्स का कितना है, ये टीचर है पूरा, ये पूरा टीचर है, तो इधर वाला निकल कर आ जाएगा, ये वाला हटा दो, हटाओ कितना आएगा 35 + 10 + 15। तो सबसे पहले शिक्षक का ही पूछा है, तो कितना आ जाएगा 100 में से 35 और 15 कितना हो गया 50 और 10 60, तो ये आ गया आपके पास 40 आ गया। 40 से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन हैं, एक ये एक ये, चलो आगे चलते। परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का निकाल लेते हैं परसेंटेज, सो माइनस 10 + 10 + 15, 20, 30, 35, 100 - 35, 100 - 35 कितना आ गया 65, 65 इसमें आ रहा है, तो यही सही है हमारा, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, 100 - स्टूडेंट का कितना है 35, 45 और 55, ये आ गया 45%, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ये आ गया सबका, ए ऑप्शन आंसर आ गया। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कन्वीनियंस कवरेज, इसको आपको शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो CONVE, CONVA, CONVE, CONVE, CONVI, तो ए पहले आएगा, तो फोर्थ आएगा भाई पहले, फिर ई आ रहा है, आई आ रहा है, तो ई के बाद आर, ई के बाद एन, ई के बाद आर, ई के बाद एन आएगा, आर जी एस 2, 5 और फिर ए ई ई वाले आएंगे ना, फिर आई वाला फर्स्ट, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 1। चलिए नेक्स्ट, ए बी सी डी ई और एफ समान दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं और ऐसे आपको दे दिया भैया उसने, एफ ई के विपरीत और ए और डी के बीच में बैठा हुआ है, एफ ई के विपरीत, एफ ई के विपरीत और ए और डी के बीच में बैठा है, ए और डी के बीच में बैठा, सी ई के दाईं ओर और ए के विपरीत है, मान लीजिए ए और डी यहां है सपोज करो, तो सी ई के दाईनी ओर बोला है उसने, तो इसका मतलब फिर आपको ए और डी इधर बनाना पड़ेगा, आपको ए इधर बनाना पड़ेगा, डी इधर, सही है, एफ जो है ई के विपरीत और ए और डी के बीच में बैठा है, सी ई के दाईनी ओर, सी ई के दाईनी ओर और ए के विपरीत बैठा है, ठीक है। अब यहां पे कौन बच गया, ए बी बच गया, बी यहां आ गया, तो ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी एफ और बी है, बी और एफ जो है वो ए का पड़ोसी, चलिए इसको देखो, बनाइए इसको, ए बी सी डी ई एफ और जी सभी 2 नदियों, 3 शहरों, 2 घाटियों के नाम, अच्छा तो बना लेते हैं,
नदी घाटी और क्या है, नदी शहर और घाटी। सबसे पहले तो ले लेते हैं कैनाल, कैनाल ले लेते हैं भाई, ठीक है। कैनाल के बाद क्या दे रखा है, रिवर, इधर रिवर ले लेते हैं, इधर वैली ले लेते हैं, है ना, इधर वैली ले, तीन चीजें दी है अपने। तो सबसे पहले बोला है कि बी जी और डी नहर नहीं है, ठीक है, बी जी और डी नहर नहीं है, कैनाल नहीं है, ई और एफ नदियां भी नहीं है, ई और एफ जो है नदियां नहीं है, सी एक नहर है, सी के लिए बोल दिया कि सी एक नहर है, लेकिन ए एक घाटी है, ए एक घाटी है, वैली है, बी एफ और जी घाटियां भी नहीं है, बी एफ और जी, बी एफ जी घाटियां नहीं, बी जी और डी नहर नहीं, बी जी डी नहर भी नहीं। तो बी और जी को देखो, बी और जी कैनाल भी नहीं है, बी और जी वैली भी नहीं है, तो बी और जी क्या हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, क्लियर है। आगे क्या बोला है उसने, उसने बोला कि सभी दो तो नदियों के नाम है, तो दो नदियों के नाम कवर हो गए, ये तो पूरा हो गया, दो नदियों के नाम पूरे हो गए, तीन नहरों के नाम है, तीन अगर नहरों के नाम है, ठीक है, तीन नहरों के नाम है, तो देखिए नदियां तो पूरा हो गया, एफ अगर वैली नहीं है वो नदी में भी नहीं आएगा, तो एफ यहां आ जाएगा, ठीक है। जी अगर आपका कैनाल नहीं है, जी देखिए जी सॉरी डी अगर आपका कैनाल नहीं है तो डी रिवर तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिवर तो टू ही होनी चाहिए, तो फिर डी यहां आ जाए। तो ऐसा कौन है जो बच गया अभी तक, ये देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई अभी तक कहीं नहीं आया, तो ई कैनाल हो जाएगा। तो तीन तो कैनाल, दो वैली और दो रिवर, ये अपना कवर हो गया। तो कौन सी दो नदियां हैं, आपसे सिंपल सा ये पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत पहले ही हो गया, बी और जी दो नदियां, बी और जी क्या है, दो नदियां हैं, नदियां पूछा है आपसे कि नदियां कौन सी है, तो बी और जी दो नदियां। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे में आते हैं, और यही प्रश्न दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन एक हो उससे संबंधित, हो सकता है क्वेश्चन दो हो उससे संबंधित, हो सकता है कि तीन क्वेश्चन भी बना दे उससे संबंधित। बात समझ में आ रही है आपको, सभी लोग दिल से लाइक कर दें, क्लियर हो गई, सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर दें कि यस सर बना लेंगे, इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो बढ़िया प्रश्न। आगे देखिए, चार विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। चार विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो यह पैटर्न कैसा दिखाई देगा। देखो जब इसको आप फोल्ड करोगे तो यह ऐसा बन जाए, ये ऐसा बन, इस तरीके का शेप बने। चलो इसको देखो, तीन तीन छह तीन तीन नौ तीन चौक बारह, बारह के बाद तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह हो गए, सही है, बनाइए, मजा आ रहा है, मजा आएगा भाई बिल्कुल, और जब मेहनत करते हो ना दिल से आप, तो आपको भी बहुत मजा आता है ना। चलिए देखिएगा, वेनी स्मिथ से, वेनी के लिए बोला है कि वेनी जो है ना वो स्मिथ से कितना, एक साल बड़ा है, वेनी स्मिथ से एक साल बड़ा है, स्मिथ सलीम से दो साल बड़े, स्मिथ इससे सलीम से कितना, दो साल बड़ा, राजू सलीम से एक वर्ष बड़ा, ये लो राजू के लिए बोल दिया कि राजू सलीम से भी एक वर्ष बड़ा है, अगर राजू सलीम से एक वर्ष बड़ा है तो फिर तो यहां बीच में ले लो भाई, ये एक और ये एक ले लो, तो सबसे छोटा कौन है, सलीम हो गया, सलीम सबसे छोटा हो गया भाई इस हिसाब से,
चलो इसको देखो आप ध्यान से, एक एरो फिर एक डाउनवर्ड, फिर वापस दो, फिर डाउनवर्ड, फिर ऊपर, तो फिर डाउनवर्ड आएगा। अगला वाला सीरीज में क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे फिर बाकी के 3, 2, 5 वैसे के वैसे। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डाउनवर्ड से स्टार्ट होना था तो एक भी डाउनवर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये तो ऊपर ही जा रहे थे, सही नहीं। चलिए नेक्स्ट, वर्ग मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन को प्रतिनिधित्व करता है, व्रत लिटरेट सर्किल जो लिटरेट पर्सन को, है ना, और त्रिभुज शहरी क्षेत्रों को, अर्बन एरियाज को रिप्रेजेंट। जो मेहनती नहीं है, जो हार्ड वर्किंग नहीं है, शहरी क्षेत्र जो शिक्षित हैं परंतु हार्ड वर्किंग नहीं। चलिए इसको देखें, इसको बनाइए कैसा शेप बनेगा। पहली बात तो देखिए, ये इसके अपोजिट होगा, व्हाइट वाला इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट, ठीक है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि व्हाइट वाला व्हाइट वाले के अपोजिट है। फिर अलग से देखिए, ये बीच में सर्किल और इसके अपोजिट देखें तो क्या बनेगा, ये वाला ब्लैक पोर्शन। ये लीजिए, है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बॉक्स बना सकते, कौन सा बॉक्स। भाई ये तो बना ही नहीं सकते, ऐसा तो बनेगा ही नहीं पहली बार, और ये तीन ये आ जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी रॉन्ग, ठीक है पॉसिबल नहीं होगा। दो ही आ सकते हैं मैक्सिमम, दो आ सकती है व्हाइट और एक, तो इनमें से लेना पड़ेगा, ठीक है। दो व्हाइट और एक, भाई इसमें से एक व्हाइट है, इसमें से एक व्हाइट, तो तीसरा तो फिर इसमें से लेना पड़ेगा ना, तो ये इसमें से आ रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ दिखाई दे, ये भी रॉन्ग। सो फोर्थ वन इज करेक्ट, करिए। नाइल क्या है? रिवर है। तो एटलस क्या है? नील नदी है। तो एटलस क्या है? एटलस बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नक्शा है, नील नदी है तो एटलस नक्शा है, सही है ना। एटलस का नक्शा नहीं पढ़ा क्या आपने? सही तो है, क्लियर है। तो 30 धमाकेदार प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों, फटाफट से ये बताइए, जल्दी से आप लोग ये बताइए कि इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए बेहतरीन तोहफा ये है कि एसएससी बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल प्राइसेस चल रहे हैं, 15% का डायरेक्ट फ्लैट डिस्काउंट है और 10% ऑफ अलग से मिल रहा है जो आपको मिलता है दीपू 10 कोड लगाने पर। तो आज ही इस बैच को एनरोल कर लेना एसएससी एग्जाम कैटेगरी में दोस्तों, आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर लेना है, मात्र 2 दिन आपके पास में शेष है अब, ठीक है। 24 सितंबर को ये ऑफर एंड हो जाएगा जिसके अंदर आपको बेहतरीन तोहफा मिल रहा है, 6500 रुपए का बैच आपको मात्र 4973 रुपए में मिल रहा है और 7800 रुपए का बैच आपको मात्र 5967 रुपए में मिल रहा है, सीधा सीधा 1528 और 1833 रुपए की बचत है। जो भी बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना, कोड क्या लगाना है? DEEPU दीपू 10 कोड का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा अपनी 26 तारीख को दोस्तों नई क्लास, सॉरी एक नया स्पेशल सेशन दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि संडे को होगा,
ठीक है, संडे को होगा, और संडे को कितने बजे होगा, 9 बजे होगा, 26 सितंबर, 300 क्वेश्चंस इन सिंगल वीडियो, वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर 9 AM पर, ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा संडे 26 सितंबर। साथ ही साथ दोस्तों 10 टॉपिक 50 क्वेश्चन का सेशन भी अपना चालू हो गया है, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज अपनी 5 बजे भी स्पेशल क्लास है, आज अपनी 9 बजे भी स्पेशल क्लास है, और आज अपनी 10 बजे भी स्पेशल क्लास है, तो 3 स्पेशल क्लासेस भी हैं अपनी, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल अनअकैडमी पर इन स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आपको प्रोफाइल मिलेगी, उसे आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है जी, बिल्कुल। 500 क्वेश्चन के सेशंस में से दोस्तों अपने 150 के आसपास ही हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उस दिन, ठीक है ना, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो 300 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन हम लोग संडे को हम लोग करने वाले, ठीक है, 26 को, क्लियर है, वही सेशन है। कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दीपू 10 कोड लगाकर प्राइज मैंने आपको बता दी है, बढ़िया मौका आपके पास में है, ठीक है, हरी अप गाइस, 2 दिन आपके पास में शेष हैं, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर देना सभी लोग, दिल से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। PDF नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, और क्लासेस के लिंक भी, तो आप लोग वहां से डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सर आपके बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम मेरे नाम से ही है, दीपक सर रीजनिंग बुक, है ना, तो आप गूगल पे लिखोगे आपको डायरेक्टली सर्चिंग में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।